अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के साथ बहुत ही इजी आई मेकअप का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, जिसे आप लोग शादी पे भी कर सकते हैं या किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप समझ आए। सो हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी आँख में काजल डालूंगी। यहाँ पर काजल के लिए मैं क्रायलॉन का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी आँख में इसको डालूंगी और उसके बाद इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी किसी भी ब्रश के साथ। ब्रश पे मैंने ब्लैक कलर लगाया है और उसके बाद इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। सिंपल, आपने काजल को नहीं फैलाना, नहीं तो वो बहुत ही वो हो जाएगा, फैल जाएगा काजल और एक उसकी नीट लुक नहीं आएगी। उसी के साथ फिर मैंने थोड़ा सा मैरून शेड लेके उसको भी ब्लैक शेड के साथ उसे ब्लेंड कर दूँगी अच्छे तरीके से। आपने इन दोनों शेड्स को बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, आँख के ऊपर सबसे पहले येलो शेड अप्लाई करूँगी कॉर्नर पे और इसे थोड़ा फैला फैला के लगाऊँगी। इसकी मैंने कोई ना क्रीज नहीं बनानी, इसे फैला फैला के मैंने पूरी अपनी आँख के कॉर्नर पे लगा दिया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसी के नीचे ना मैं ऑरेंज शेड अप्लाई करूँगी। ये नहीं करूँगी पूरा येलो शेड पर अप्लाई कर दूँ, ऑरेंज को मैं थोड़ा सा ना येलो शेड से नीचे लगाऊँगी ताकि येलो शेड भी प्रोमिनेंट हो और ऑरेंज भी, और इसे अच्छी तरह इन दोनों शेड्स की ब्लेंडिंग कर देंगे। अब आप देखें, आपको ऑरेंज शेड भी नज़र आ रहा है और येलो शेड भी नज़र आ रहा है। इसकी मैंने बहुत अच्छी तरह ब्लेंडिंग की और थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके उसको भी मैंने इसके ब्लेंडिंग जब मैं कर रही थी उसी में इसके साथ ब्लेंड कर दिया ब्राउन शेड को भी। देखिए, ब्लेंडिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद थोड़ा सा मैं कॉर्नर पे ना वो लगा लूँगी, वाइट शेड अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं वाइट शेड जो है ना वो मेटेलिक शेड यूज़ कर रही हूँ, सिल्वर ले लें या वाइट ले लें। तो ये मैंने ब्रश से लगाया है, यहाँ पर एप्लीकेटर से लगा रही हूँ मैं। उसकी भी आपने बहुत अच्छी तरह ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद क्या करूँगी, सेंटर में ना मैं थोड़ा सा ना गोल्डन शेड अप्लाई कर दूँगी। यहाँ पर गोल्डन शेड जो है वो मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। पहले आप लोगों ने हल्का सा ना ग्लिटर ग्लू लगाना है, उसके ऊपर आपने ये गोल्डन शेड अप्लाई करना है, लाइट से अप्लाई करना है। ये बहुत ही सॉफ्ट और ईजी आई मेकअप है, इसलिए मैं इसके कलर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रखे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइनर अप्लाई करूँगी। लाइनर थोड़ा सा ना मैं ट्रेडिशनल उसमें चले जाऊँगी, क्योंकि ना ये आई मेकअप बिल्कुल सिंपल था तो मैंने कहा थोड़ा सा लाइनर जो ना वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट ज़्यादा हो, इस वजह से मैं थोड़ा लाइनर जो है ना वो थोड़ा लंबा लगाऊँगी और थोड़ा डार्क लगाऊँगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पर विंग आईलाइनर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस मेकअप के साथ ना ये हाई विंग लाइनर बहुत अच्छा लग रहा था, सो मैंने ये वाला लाइनर अप्लाई किया है। यहाँ पर भी मैंने क्रायलॉन का आईलाइनर यूज़ किया है। ये सिंपल आईलाइनर है जिसे मैं ब्रश के साथ लगा रही हूँ, मार्कर आईलाइनर नहीं है ये। इसके बाद मैं यहाँ पर आँख का थोड़ा सा कॉर्नर बना लूँगी। यहाँ पर मार्कर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी होता है कॉर्नर बनाने के लिए इस वजह से, और ये बिल्कुल भी यानी कि फैलता नहीं है। अगर आपकी आँख से पानी भी आ जाए तो ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है, आपका बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। तो आप लोग देखें कितनी ईजी तरीके से मैंने ये आई मेकअप लुक क्रिएट की है। अगर आप लोग चाहें तो इधर अपने फिंगर के साथ भी आई शेड अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही ब्लेंडिंग में लगेगा और बहुत ही ईजी है। और मैंने थोड़ा सा कॉर्नर पे यहाँ व्हाइट हाइलाइटर भी अप्लाई किया है। अगर तो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।